हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए दबाएं। देख सकते हो हमारे ग्राहक सेवा से बात करने के लिए 6 दबाएं, तो मैं 6 दबा देता हूँ। देख सकते हो जोड़ा जा रहा है। तो आपको मतलब पेशेंस रखना है भाई, अगर आप इंतजार नहीं करोगे क्या क्या बोलता है तो कैसे कॉल कर पाओगे। ध्यान से। हाँ पिंकी जी, क्या ये कॉल VI कस्टमर केयर पे लगा है? जी जी, मैं मेरे इस नंबर पे रिचार्ज करवाया लेकिन नेट का। तो दोस्तों जैसे कि आपने शुरुआत में देखा, मैंने VI कस्टमर केयर से डायरेक्टली फ़ोन पर बातें किया, और ये बहुत ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम है कि VI कस्टमर केयर से डायरेक्टली फ़ोन पर बात नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि रात को कॉल नहीं लगता है, सिर्फ दिन में ही कॉल लगता है 10 बजे के बाद। ऐसा नहीं है, VI कस्टमर केयर जो है 24x7 मतलब 24x7 अवेलेबल होता है। आप जब भी कॉल करो कॉल रहेगा, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है, और इसका प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लाइव बता करके जैसे दिखाया ऐसे अभी फिर से बात करूँगा, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे आपको दबा के रख देना है। इसके साथ साथ जो वीडियो देख रहे हो सिंपली कमेंट बॉक्स आएगा दोस्तों, इसी कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक कमेंट कर देना है VI, उसके बाद लिख देना है कस्टमर, VI कस्टमर, उसके बाद लिख देना है केयर नंबर, उसके बाद लिख देना है डायरेक्ट, उसके बाद लिख देना है डायरेक्ट कॉल। ये एक कमेंट जरूर कर देना है, VI कस्टमर केयर नंबर डायरेक्ट कॉल, ये दोस्तों कमेंट आपको कर देना है। जैसे ये कमेंट कर दो कमेंट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो भी आपका VI सिम है उसमें मिनिमम रिसर्च होना चाहिए, तब जाके कस्टमर केयर पर कॉल लगेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लो, और कस्टमर केयर का नंबर क्या है 198, VI कस्टमर केयर का 198 पे सिंपली आपको कॉल कर लेना है। जैसे कॉल कर लोगे अभी ध्यान से देखो क्या क्या बताता है, सुनो। VI में आपका स्वागत है बोला। तो हिंदी में जानकारी के लिए दो, तो मैं दो दबाता हूँ। आप किस वी नंबर से डायल कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी पाने के लिए एक दबाएं। बोल रहे हैं जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं इसी नंबर के जानकारी करने के लिए एक दबाएं। तो एक दबाएं। भारी संख्या में कॉल आने की वजह से हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करने में शायद कुछ देरी हो सकती है। हाँ बोल रहे हैं कुछ देरी हो सकती है, लेकिन आप बने रहे। तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा हेल्प करूंगा, ध्यान से देखो। आपके लिए उपलब्ध हमारे बेस्ट प्लान और ऑफर्स के बारे में जानने के लिए डायल करें *899# या फिर लॉग ऑन करें MyVI ऐप पर। अपने करंट यानी वर्तमान टैरिफ, प्रीपेड बिल, पॉपुलर रिचार्जेस और खास आप ही के लिए बने बेस्ट ऑफर्स के लिए एक दबाएं। डेटा सेवाएं काम नहीं कर रही हैं? कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ है, या फिर SMS भेजने में कोई परेशानी है, तो दो दबाएं। तो बोल रहे हैं कि एक मतलब बोल रहे हैं कि कॉल नहीं लग रहा है या SMS भेजने में प्रॉब्लम है या इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो दो दबाएं। तो आप ध्यान से सुनो। चार दबाएं। खोए गए सिम संबंधी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए PUK के लिए, अपना वैकल्पिक नंबर अपडेट करने, IVR की भाषा बदलने के लिए और अपनी शिकायत के समाधान के खिलाफ अपील यानी प्रार्थना करने के लिए 5 दबाएं। DND और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के लिए 6 दबाएं। तो अभी आपको 2 दबाना होगा। यदि आपकी डेटा सेवाएं काम नहीं कर रही हैं, ध्यान से सुनो, एक दबाएं। वॉइस और SMS सेवाओं संबंधी समस्याओं पर सहायता पाने के लिए 2 दबाएं। 4G या 4G सेवा की स्थिति के बारे में जानने के लिए 3 दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए 8 दबाएं। तो अभी आपको फिर से 2 दबाना होगा। यदि आप किसी विशेष मोबाइल नंबर से कॉल या SMS प्राप्त करते समय कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इस शीघ्र समाधान ट्राई कीजिए। चेक करें कि नंबर अनब्लॉक्ड है। यदि समस्या किसी विशेष नंबर के लिए बनी रहती है, तो ये उस नंबर पर नेटवर्क से जुड़ी समस्या के कारण हो सकती है। यदि आपको सभी नंबर्स पर कॉल करते या SMS भेजते समय समस्याएं आ रही हैं, तो कृपया ये चेक करें कि आपका वी नंबर ₹128 या उससे अधिक से रिचार्ज किया गया है। समस्याओं संबंधी अधिक निवारण के लिए नेटवर्क सेटिंग्स पर जाने के लिए
वी ऐप पर लॉग ऑन करें। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 6 दबाएं। देख सकते हो हमारे ग्राहक सेवा से बात करने के लिए 6 दबाएं, तो मैं 6 दबा देता हूँ। देख सकते हो जोड़ा जा रहा है, तो आपको मतलब पेशेंस रखना है भाई। अगर आप इंतजार नहीं करोगे क्या क्या बोलता है तो कैसे कॉल कर पाओगे। ध्यान से। नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत है, मैं पिंकी, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाँ पिंकी जी, क्या ये कॉल VI कस्टमर केयर पे लगा है? जी जी, मैं मेरे इस नंबर पे रिचार्ज करवाया लेकिन नेट कभी चल रहा है और कभी नहीं चल रहा है, और कॉल जा रहा है कभी कभी कॉल नहीं जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, कभी कभी कॉल जाता है कभी कभी कट जाता है, और कभी कभी नेट चलता है कभी कभी नेट नहीं चलता है। चलो मैं कॉल काट दिया, तो बस आपको मैंने दिखाना था कि डायरेक्टली VI कस्टमर केयर पे कैसे कॉल लगता है। तो मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो अगर बिना स्किप करके फिर से अगर देखोगे तो 100% है आप भी कॉल लगा सकते हो VI कस्टमर केयर पे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।